राखी सावंत ने आदिल खान के बारे में बहुत बड़े खुलासे किए हैं और कुछ प्राइवेट वीडियोस भी शेयर किए हैं, जिसमें आदिल खान खुद बोल रहा है कि मैंने राखी सावंत से 1.5 करोड़ रुपए लिए हैं और मैंने उससे 6 कारें खरीदी है, ऐसे कुछ बोल रहा है। आप जो 1.5 करोड़ मैंने आपको दिए है वो आप कब दे रहे हैं? कार का बिजनेस में डाला, इन्वेस्ट किया हूं जी, विदिन 4 मंथ्स देता हूं। विदिन 4 मंथ्स? 4 मंथ्स विदिन 4 मंथ्स प्रॉफिट के साथ? मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, प्रॉफिट आप रखो। 4 मंथ्स देता हूं, प्रॉफिट जो भी आता है हिसाब दार को दिया। नहीं मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, मुझे से मेरे पैसे चाहिए, मेरे हार्ड अर्न ऑन मनी है। मैं एक सीधी सादी, मेरे खून की कमाई है, मेरे जेवर बेच के दिए मैंने। 6 गाड़ियां हैं राखी के, 6 गाड़ियां में एक BMW, एक वोल्वो, एक मर्सिडीज ए क्लास, एक ML 350, एक BMW X5, एक मर्सिडीज बेंज सी क्लास, ये 6 भी गाड़ियां राखी के। 6 में 5 गाड़ी के डॉक्यूमेंट अब्बा के पास ही, एक डॉक्यूमेंट ML गाड़ी का अतिक भाई के पास है। 6 में 5 गाड़ियां स्ट्रीट कार्स में जतिक भाई के पास ही, 1 गाड़ी मर्सिडीज बेंज शोरूम मैसूर में खड़को है, X5B पॉलिश में है, X5B आज शाम तक आपको खड़ जाती स्ट्रीट कार्स में, लड़का गाड़ी लेको निकल को है, 26 तारीख को बोल रहा हूँ पूरा। राखी मेरे ऊपर 1.5 करोड़ रुपए डाल को है, वो गाड़ियां से 10 रुपए 20 रुपए, 10 लाख 20 लाख, मेरे हिसाब से 20 लाख रुपए नफा होना, वो नफा पूरा राखी को जाना। राखी के पैसे में 1 रुपया भी ऊपर नीचे नहीं होता, बते पैसे राखी के छो। ये मैच आवाज जरा बदल को होता है राखी जी भी हम वेट को। लेकिन आदिल खान इस वीडियो में सैड लग रहा है, मतलब ऐसे लग रहा है कि उस पर कुछ दबाव डाला जा रहा है, ये सब बोलने के लिए उससे बुलवाया जा रहा है, वो खुद नहीं बोल रहा है, उसकी आवाज में भी ऐसे लग रहा था कि वो रो रहा है, मतलब उस पर दबाव है किसी चीज का। आपको क्या लगता है कॉमेंट में बताना।